नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नक्शा में स्थित किसी भी प्लॉट को आप गुनिया और परकाल की सहायता से आसानी से कैसे माप सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ज़मीन से संबंधित इस प्रकार के और भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, एक प्लॉट ले लेते हैं नक्शा में। तो ये त्रिभुज के आकार का एक प्लॉट है दोस्तों, इसी को आपको माप करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कैसे नापते हैं। तो यह परकाल है दोस्तों और यह है गुनिया। गुनिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। गुनिया जो है कि दो भागों में बटा होता है, एक ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है। ऊपर जो है छोटी से छोटी लाइन की दूरी होती है 10 कड़ी, और नीचे की ओर जो है दोस्तों छोटी से छोटी लाइन की दूरी होती है 20 कड़ी। ऊपर जो है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 कड़ी होती है, और यहाँ बीच में 50 कड़ी, फिर यहाँ तक की दूरी 100 कड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, तो 1000 कड़ी तक की हम गुनिया से मापी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको इस प्लॉट को माप के दिखाते हैं। तो सर्वप्रथम परकाल पकड़ेंगे दोस्तों इस प्रकार से, और इसको मेड़ को मापेंगे दोस्तों, इस प्रकार रखेंगे दोस्तों, और इसको ले आएंगे गुनिया पर, देखेंगे इसका मान कितना होता है। यह है दोस्तों 150 कड़ी। अब जरा सा समझते हैं नजरी नक्शा में दोस्तों। इस प्रकार का प्लॉट है, यह 150 कड़ी हुआ दोस्तों। आधार 150 कड़ी हुआ। अब देखेंगे लंब कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे इसके मेड़ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको गुनिया में लेंगे दोस्तों। ये हमारा आ रहा है दोस्तों 310 कड़ी। तो इसको लिखेंगे दोस्तों, ये आ रहा है 310 कड़ी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार है 150 कड़ी, ऊंचाई हो गया 310 कड़ी। और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करके आएगा दोस्तों 23,250 वर्ग कड़ी। इसको सॉल्व करके आएगा दोस्तों। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया वर्ग कड़ी में।
अब इसको हम डिसमिल में जानेंगे दोस्तों कितना होगा। डिसमिल में जानने के लिए इसको हम करेंगे, क्योंकि एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी के। इसलिए दोस्तों हम 23,250 वर्ग कड़ी को भाग दे देंगे 1000 से, तो ये हमारा डेसिमल में निकल के आ जाएगा दोस्तों। और 1000 से भाग देंगे तो 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा दोस्तों, 23.25। ये हमारा डेसिमल में निकल जाएगा दोस्तों, इतना डेसिमल हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो नक्शे में दिया होगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों आप किसी भी प्लॉट को गुणिया और प्रकार की सहायता से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों।